नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन, न्यूज अपडेट के साथ। एडीएम कर्नल विवाद में एडीएम के समर्थन में उतरे जिले के तमाम दलित संगठन। जी हां, फिलहाल का न्यूज अपडेट यही है, लेकिन इस न्यूज पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। जैसे ही कोई नई न्यूज हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज पर अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं उस खबर की ओर जो इन दिनों नोएडा में सुर्खियों में है। जी हां, एडीएम हरीशचंद और कर्नल चौहान के बीच का विवाद। दोनों ही नोएडा के पॉश सेक्टर में पड़ोसी हैं। मामला उस समय शुरू हुआ जब एडीएम की पत्नी ने कर्नल चौहान पर छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कर्नल चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन मामला यहां भी नहीं थमा। कर्नल चौहान का एक फोटो वायरल हुआ जिसमें वो हथकड़ी पहने हुए हैं और एक चोर के साथ जेल जा रहे हैं। इससे नाराज होकर पूर्व सैनिक संगठनों ने विरोध जताया और तुरंत कर्नल चौहान के रिहाई की मांग की और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला इतना बढ़ा कि एडीएम हरीशचंद, जो मुजफ्फरनगर के एडीएम थे, उन्हें निलंबित करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा और एडीएम उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ा। साथ ही सेक्टर 20 थाना के तत्कालीन एसएचओ मनीष सक्सेना और सर्किल ऑफिसर अनित कुमार को पहले पुलिस लाइन भेजा गया। मामला बढ़ता देख उन्हें जिले से ही बाहर भेज दिया गया। एडीएम और उनकी पत्नी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला और बढ़ गया है, तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में बुधवार को 7 से अधिक दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट गुंजा सिंह को ज्ञापन सौंपा। उधर इस मामले में एडीएम के खिलाफ गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सुनील गौतम ने राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। कलेक्ट्रेट पर बुधवार को एससी एसटी अत्याचार निवारण संस्थान, युवा शक्ति दल, बोध महासभा, भीम आर्मी, दलित उत्थान महासभा व युवा भीम शक्ति समेत जिले के दलित संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। हमारा समाज अभी शिक्षित समाज है, मिशन की पूजा करता है, तो बाबा साहब ने जो मिशन दिया है उस पे हमारा साथ समाज अधिक है, चलता रहेगा। अब मैं आज जो विडंबना हमारे सामने आई है, कारण सिर्फ ये है कि जब तक दलित नाम नहीं आया तब तक कार्रवाई ठीक चली। जब पता लगा ऐसे एसटी लग गया है, उन्हें जानकारी हो गई कि तो एसटी है, अरे ये तो बहुत हो गया, ये सब लोग एकजुट हो गए, तभी से हमारे साथ ये अत्याचार शुरू हो गया। युवा शक्ति दल हम चलाते हैं। रवि जी क्या मांगे हैं, क्या? देखिए, जैसे कि अभी पिछले दिनों में एक हमारे हरिश्चंद्र एडीएम साहब हैं जिनकी तनादी मुजफ्फरनगर में है और यहाँ पे वो निवास करते हैं। जिस तरीके से चौहान साहब जो कर्नल हैं, उन्होंने उनकी वाइफ को छेड़ा। अपराधी कोई भी, चाहे वो कोई भी अधिकारी है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन उसमें एडीएम साहब ने मुकदमा कराया, लेकिन एक जाति को देखते हुए कि एडीएम साहब दलित हैं, तो उसमें उनको पद से हटाया गया। जिस सीओ में उसने जांच करी, क्योंकि जब किसी एससी एसटी के मुताबिक कोई दलित को छेड़ता है तो उसमें एसएसटी लगती है, तो सीओ अनित कुमार है, इंस्पेक्टर 20 के थाना है जो सक्सेना साहब हैं, इन तीनों व्यक्तियों को पद से हटा करके इन पर गंभीर धारा पर मुकदमा दर्ज किया गया, जो ऐसा संवैधानिक तरीके से नहीं होना चाहिए। युवा शक्ति दल का खंडन करता है। पूरे भारत में हर जिले हर प्लेट पर हम धरना करेंगे। अगर उनको पूर्ण रूप से जल्दी बहाल नहीं किया गया तो दिल्ली जनता में एक आंदोलन होगा और उस आंदोलन का रूप इतना बड़ा होगा कि जो ये मनमानी सरकार कर रही है वर्तमान, आने वाले 19 में इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब पूरे दलित संगठनों ने ये चेतावनी दी है, अगर एडीएम और उनकी पत्नी को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। तो ये था अब तक का न्यूज अपडेट। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही बाकी खबरों के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.grenonews.com।
फिलहाल न्यूज़ अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।